हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको घर पर बाजार जैसा गुलाल बनाना बता रही हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल को ऑप्शन दबाना ना भूलें। मैंने अरारोट लिया है, आप चाहे तो इसकी जगह मैदे का भी यूज कर सकते हैं, या फिर जो पाउडर आता है टेलकम पाउडर, कोई सा भी, उसे भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने ये नॉर्मल पानी लिया है, पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके इसके पेस्ट जैसा बना लेंगे, ना ही ज्यादा गाढ़ा और ना ही एकदम लिक्विड। पानी आपको बस थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि ये काफी जल्दी जमना स्टार्ट हो जाता है। मैंने लगभग ये 2 से 2.5 कप के करीब ही अरारोट का यूज करा है। ये देखिए कितनी जल्दी है एकदम जमना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा, इसलिए हमें इसे लिक्विड नहीं करना है। देखिए हमारा घूल के तैयार हो गया। देखिए बस इतना लिक्विड रखा मैंने इसे, क्योंकि काफी जल्दी देखिए पूरा ये जमना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हर बार इसे आपको इस तरह से तले में इसे मिक्स करना पड़ेगा। आप जितने कलर बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इसे अलग अलग आप डिवाइड कर लीजिए। इस तरह से मैंने 6 कटोरी में से अलग अलग कर लिया, बराबर डिवाइड कर लिया। थोड़ा सा कम ज्यादा भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए मेरा 1 ग्लास में से इतना पानी बच गया था, इसमें बहुत ज्यादा मैंने पानी का यूज नहीं करा है। सबसे पहले मैं हल्दी मिला रही हूँ। सारे चम्मच आप अलग अलग ही रखें, बिल्कुल भी एक के अंदर एक मिक्स करेंगे तो हमारे सारे कलर जो मिक्स हो जाएंगे। देखिए इस तरह से जमना स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल इसे आपको धीरे धीरे मिलाना। ऐसा लगे कि आपका गाढ़ा ज्यादा हो गया है तो इसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ये जम जाता है। इसे बस इसी तरह से आप हिलाते रहिए। ये लिक्विड भी हो जाता है, तुरंत गाढ़ा हो जाता है। मैंने इसमें से 1/2 चम्मच पानी डाला है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया हमारा येलो कलर बनके तैयार हो गया है, एकदम लाइट येलो कलर है। अगर आप इससे ज्यादा डार्क चाहते हैं तो इससे ज्यादा डार्क भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन चम्मच जो आपको हर बार सबके अलग ही रखना है। मैंने 1 चम्मच बीटरूट पाउडर लिया है, मेरा होममेड बीटरूट पाउडर, इसे भी इसमें आप डाल दीजिए। ये देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसे मिलाने में दिक्कत आती है, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे तुरंत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। पानी ज्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा, ये मैंने 1/2 चम्मच पानी डाला है। इसलिए सब मिलाते जाएंगे तो आसानी से मिल जाता है, कोई मिलाने में हमें दिक्कत नहीं आती है, बिल्कुल बढ़िया हमारे नेचुरल कलर बनके तैयार हो जाते हैं। अगर आप इतना सब नहीं करना चाहते हैं तो वो तरीका भी मैं आपको एक और बताऊंगी अभी। ये देखिए ऐसे आप रखेंगे, ये लिक्विड हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा स्टार्टिंग में काफी दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा टाइट हो गया, लेकिन ये लिक्विड होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए मैंने इसे थोड़ा सा छोड़ दिया है। ये देखिए बस इसी तरह से इसे आपको मिक्स करना, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है लेकिन अच्छे से मिक्स हो जाता है। कितना अच्छा ये भी हमारा मिक्स हो गया, इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है, लेकिन सूखने के बाद थोड़ा सा कलर जो इसका लाइट हो जाता है। ये देखिए इस तरह से मैं बीटरूट पाउडर हमेशा घर में बनाकर रखती हूँ, बहुत सारी चीजों में मुझे ये काम में आता है। ये देखिए 2 तो मैंने आपको इस तरीके से बताया। ग्रीन कलर आप पालक को पीस के बना सकते हैं, धनिया को पीस के बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिक्विड जो फूड कलर आता है ग्रीन वाला कलर लिया है, 1/2 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, इसे भी आप मिक्स कर लीजिए। इसी तरह से जो आपके पास लिक्विड कलर रखे हुए हैं उनसे भी इसे आप बना सकते हैं, या फिर आपके पास पाउडर फॉर्म में जो कलर है उससे भी आप बना सकते हैं। अगर इस तरह से आपके पास जेल कलर जो आते हैं, जो केक में हम यूज करते हैं आइसिंग में, वो अगर जेल कलर है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। जेल कलर हमें बहुत ज्यादा नहीं डालना, बस 4 से 5 ड्रॉप काफी है। देखिए सारे कलर ही मेरे बनके तैयार हुए, मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने एक ब्लू बनाया है, एक नींबू पीला जो कलर आता है येलो वाला वो बनाया है, और ये थोड़ा सा पीला अलग टाइप का रहेगा, सेम पीला नहीं, अलग अलग ही। ये पिंक कलर हो गया, ये ग्रीन हो गया, और ये रेड कलर,
ये तीनों मेरे जेल कलर से बने, ये लिक्विड कलर से बनाया, मैंने ये पाउडर कलर से बनाया। जैसा आपको जमता आप उस तरीके से बना सकते हैं। यानी कि थोड़ा सा सुखाने में एक दिन का समय लगता है। मैंने ये प्लेट ले लिया। हर बार इसे आपको मिक्स करना जरूरी है क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। काफी जल्दी सूख के भी तैयार हो जाता है। आप चाहे तो इसे प्लास्टिक की शीट जो होती है छोटी छोटी सी शीट की कटिंग कर लीजिए और इसे आप फैलाकर भी सुखा सकते हैं। इस तरह से आप डाल दीजिए। इसे अगर हम धूप में सुखाएंगे तो इसका जो कलर है थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, इसलिए मैं इसे पंखे की हवा में ही सुखाऊंगी। एक दिन में ये सूख के तैयार हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारे प्लेट में फैला दूंगी। ये देखिए सारे कलर मैंने इस तरह से प्लेट के अंदर फैला दिए हैं। मैंने थोड़ा सा ये रोज एसेंस लिया है, 2 से 3 के अंदर मैं रोज एसेंस डाल रही हूँ। इसके अंदर मैं केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ। ये भी पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं है तो बिना फ्लेवर के भी इसे आप बना सकते हैं। इन सबको हम सूखने के लिए रख देंगे हवा के में, पंखे की हवा में इसे आप रख दीजिए। रात भर के लिए छोड़ दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। रात भर में काफी अच्छे से सूख के तैयार हो जाएंगे। ये सूख जाते हैं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारे कलर मेरे अच्छे से सूख गए। मैंने इसे पूरा 24 घंटे के लिए पंखे की हवा के नीचे रखा था। ये देखिए इसमें इस तरह से क्रैक्स दिखने लगेंगे, आपको पास से दिखा रही है। इसका मतलब ये हमारा जो अच्छे से सूख गया। ये देखिए आप चाहे तो इसे छन्नी से छान के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या छोटे छोटे से छोटे छोटे कण जो रहते हैं वो रह जाएंगे, इसलिए मैं इसे मिक्सी में एक बार पीस लूंगी। देखिए रेड वाले में भी इस तरह से, लेकिन बीट रूट वाला है इसे थोड़ा सा सूखने में टाइम ज्यादा लगता है। देखिए इसमें क्रैक्स भी आ गए, लेकिन कलर जो है इसका थोड़ा सा लाइट आएगा। इस तरह से ये भी सूख गया, सूख सारे गए मेरे। बस इसे बराबर 24 घंटे का समय लगा, इसे मैंने बिल्कुल भी धूप में नहीं सुखाया। धूप में अगर इसे आप सुखा देंगे इसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। ये देखिए इसे मैंने मिक्सी में पीस लिया, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये हो गया। ये इस तरह से बिल्कुल बारीक और स्मूथ बन गया हमारा। बस इसीलिए हमें मिक्सी में पीसना है, लेकिन हर बार पीसने के बाद मिक्सी को आप कपड़े से, सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए ताकि दूसरी चीज का कलर इसमें ना आए। इसी तरह से मैं सारे पीस के तैयार कर लूंगी। ये देखिए सारे कलर मैंने पीस के तैयार कर लिए। जो मैंने जेल कलर से बनाया है वो वाला येलो कलर है, ये भी मेरा ग्रीन वाला जेल कलर से लिक्विड वाले कलर से बनाया तो वो वाला है। ये मैंने जो बीट रूट से बनाया था उसका कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया है, एकदम बढ़िया लाइट पिंक कलर आया है। ये भी मेरा जेल कलर का है। ये जो हमने हल्दी से बनाया ये उसका कलर, ये देखिए हल्दी वाला भी हमारा कितना बढ़िया और एकदम डार्क कलर आया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी हल्दी और डाल सकते हैं इसको, अगर आप थोड़ा सा डार्क ज्यादा करना चाहते हैं तो। ये देखिए जो हमने रेड कलर बनाया था ये भी हमारा कितना बढ़िया आया। कोई भी कलर हमने अलग से नुकसान करने वाले नहीं, जो हम खा सकते हैं वही कलर का हमने यूज करा है। आप अगर नहीं चाहते हैं जो के कलर मैंने यूज करे तो आप उसकी जगह जो ग्रीन कलर के जगह पालक का यूज कर सकते हैं, येलो कलर के लिए आप गेंदे का फूल भी ले सकते हैं, जो डार्क येलो कलर के लिए ऑरेंज वाला जो गेंदे का फूल आता है उसका यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप कोई फूल से भी बना सकते हैं। मेरे फूलों से भी कलर डले हुए हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। काफी सारे फूल से मैंने कलर बना के डाले हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिर्फ 2 ही चीजों से। कुछ कलर है मेरे और कुछ मैंने जो बेस लिया है बस वही, इसके अलावा मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चीजों का इसमें यूज नहीं करा है। जो मैंने एसेंस डाला है वो भी पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो डाली, नहीं इच्छा तो उसे भी स्किप कर सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देखिए कितने बढ़िया हमारे कलर बनके तैयार हो गए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।